अरे आपको देख के मेरे को डर लगता है यार। वो धंधी बोलना भाई चालू है। ठीक है ना, मैं रुक दो मिनट हो जाएगा बस। नमस्कार दोस्तों, साउथ इंडियन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, लोगों को खूब एंटरटेन कर रही है। ऐसे में साउथ वेब सीरीज कैसे पीछे रह सकती है? नहीं रह सकती ना भैया, जब फिल्में चल रही है तो वेब सीरीज भी चलनी ही चाहिए। तो साउथ की है कि बहुत ही ताबड़तोड़ कड़क टाइप की वेब सीरीज आई है, जिसके बारे में आपका भाई बताएगा, आपसे चर्चा करेगा और आपको ये भी बताएगा कि पिक्चर आपको देखनी चाहिए, सॉरी वेब सीरीज देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। इस वेब सीरीज़ का नाम है वधांधी। अब नाम पे मत ये वधांधी है तो समझ नहीं आ रहा है। बहुत शानदार टाइप का वेब सीरीज़ है, एकदम कड़क है, रसलेदार है, मतलब दृश्यम 2 जैसी नहीं है पर उस लेवल की वेब सीरीज़ है। तो आइए उस पर थोड़ा बातचीत करते हैं, भाई बताते हैं आपको कि आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। इस वेब सीरीज़ की कहानी एक मर्डर मिस्ट्री होने वाली है, जैसा कि दृश्यम में होता है, रट्टासन में होता है, ठीक उसी प्रकार की वेब सीरीज़ है। एक लड़की है 17-18 साल की, जो काफ़ी सुंदर है, जिसे देखकर लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, उससे कई लोग छुपाने की चाहत रखते हैं। तो अचानक से उस लड़की की मृत्यु हो जाती है, फिर एक पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है और उस पुलिस ऑफिसर का जो किरदार है वही खोजबीन करता है। यही फिल्म की कहानी होने वाली है। ये तो औपचारिक बात रही, अब औपचारिक बात बताता हूँ। फिल्म की सबसे खास बात फिल्म की स्टार कास्ट है। स्टार कास्ट किसी फिल्म को हिट करा सकते, किसी फिल्म को फ्लॉप करा सकते। तो इस फिल्म में हमें सूर्या नजर आए हैं, वो वाले सिंघम वाले सूर्या नहीं, एसजे सूर्या जो एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर भी हैं, उनका काम सीरीज में काफ़ी शानदार है। एसजे सूर्या इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बने हैं। बेसिकली उन्हें ज़्यादातर लाउड किरदारों में देखा जाता है, जिसमें वो काफ़ी बदमाशी रोल में दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे शांत है, वे एक सुलझे हुए पुलिस ऑफिसर के किरदार में नज़र आते हैं। यह सीरीज़ काफ़ी 7 घंटे लंबी है और इस सीरीज़ का जो पहला और दूसरा एपिसोड है वो थोड़ा स्लो है, थोड़ा आपको बोर कर सकता है। तो आप मोबाइल भी चला सकते हैं और किसी का फ़ोन आ रहा है अगली बगली पिछली पिछली उससे भी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जैसे तीसरा एपिसोड में आएगा तो आप अपने अगली को भूल जाओगे, पिछली को भी भूल जाओगे, मतलब तीसरा जो एपिसोड आता है वहाँ से फिल्म जो सीरीज है स्पीड पकड़ना शुरू करती है और अंत तक आपको मतलब बांधे रखती है। इस फिल्म की सबसे खास बात इसका ट्विस्ट और टर्न्स है। जैसे अपन समोसा बनाते हैं उसमें आलू ठूस कर आ जाता है, सब्जी बनाते हैं तो मसाला भरा जाता है, ठीक उसी प्रकार के इस फिल्म में इस सीरीज में इतने सारे ट्विस्ट और टर्न्स है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, बाल पाप ऐसे बनाने लग जाएंगे, अरे हो क्या रहा है भाई, मैं क्या सोच रहा था और क्या हो रहा है, प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे ऐसा होने वाला है। फिल्म में जो 17-18 साल की लड़की बनी है, जिसके ऊपर इस सीरीज की पूरी कहानी घूमी है, उनका किरदार भी हटके है, यूनिक है। इस सीरीज के 5वें एपिसोड में एसजे सूर्या लगातार 3 मिनट का एक मोनोलॉग बोलते हैं, जैसे कार्तिक आर्यन बोलते हैं धूम मजा कर, उस टाइप का मोनोलॉग तो नहीं है लेकिन इमोशनल मोनोलॉग है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठंडी के दिन है तो होगा ही भाई, पर एडिशनल रूप से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हाँ यार क्या कंटेंट है, क्या बनाया है। कुल मिलाकर सीरीज की कहानी, सीरीज का एग्जीक्यूशन, सीरीज का प्रेजेंटेशन और फिल्म के सीरीज के जितने स्टार कास्ट है, चाहे नसर की बात हो, चाहे एसजे सूर्या की बात हो, चाहे लैला की बात हो, चाहे संजना की बात है, सभी ने एकदम पूरा इंसाफ किया, अपने न्याय के साथ फुल एकदम मस्त टाइप का पिक्चर बनाया है। तो दोस्तों किस बात की देरी है, अमेजॉन प्राइम में जाइए और वधांधी जो सीरीज है उसे सर्च करिए, इसे देखिए। न इंटरवल का झंझट है, ना किसी चीज का झंझट है, खुद का मालिक हो। ये तो रही आपके काम की बात, अब मैं मेरी काम की बात बताता हूँ। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज़ अड्डा सिर्फ IBC 24 @YouTube पर।